नमस्कार, मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 15 मार्च। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में मोमेंटम तो काफ़ी शानदार रहा है, वॉलेटिलिटी भी काफ़ी बनी हुई है। अगर सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एज मार्केट में न्यूज़ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, इसका एक इक्विटी मार्केट को एक बेनिफिशियल मिलता हुआ दिख सकता है। बट दैट इज़ टू अर्ली टू से, बिकॉज 0.25 ऑलरेडी मार्केट ऑलमोस्ट हम समझते हैं कि ये डिस्काउंट कर चुका है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच और कॉशियस रहिए। वीक्स में थोड़ी बहुत गिरावट है, बट अभी भी टॉक्स है वो कंटिन्यू चल रही है। क्रूड में हमने देखा कि वेनेजुला को US सपोर्ट कर रहा है, साथ में ऑलरेडी हमने देखा ईरान को और अदर कंट्री इराक को भी सपोर्ट कर रहा है। बट इम्पॉर्टेंट इज के दे हैव अ टेक्नोलॉजी है या आउटडेटेड हो चुका है, डेट इज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट टाइमिंग तो हमें लगता है कि जो कोशिश की जा रही है उसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट दिखाई दे रहा है, बट बी कॉशियस ऑन दिस पॉइंट। नेचुरल गैस में भी हमने थोड़ा बहुत पुल बैक आते हुए देखा है। कॉटन के प्राइजेस में स्टेबिलिटी बनी हुई है अभी भी। वहीं गोल्ड में हमने एक ज़बरदस्त फॉल आते हुए देखा, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ $50-$60। बट लेट्स सी के जो इंटरेस्ट रेट का हाइक सीनेरियो उसकी वजह से ये प्रेशर मार्केट में बना हुआ है। टेक्निकली 1930-1936 इज एक्टिंग एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर प्राइजेस इसको तोड़ता है देन देर विल बी ए चेंज, अदरवाइज आई थिंक कि मार्केट में अगर अभी लड़ाई रुकती भी है तो वो डिस्काउंट हो चुकी है। इंटरेस्ट रेट सीनेरियो निकलने के बाद ही मार्केट में जब मिलेगा, आज मॉर्निंग सेशन में एक रेंज रहेगा, जब तक 1954 के ऊपर नहीं निकलता मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। चांदी भी ऐसा ही कुछ 2480 से लेकर 2560 के बीच में ही ट्रेड करेगी। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने गिरावट देखा, बिकॉज क्रूड में जो गिरावट है उसकी वजह से हमने पूरे सोया कॉम्प्लेक्स में भी गिरते हुए देखा है मार्केट। डॉलर इंडेक्स 98-98 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो ऑलरेडी चाइना से हमने देखा रिटेल सेल्स, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बेस मेटल को सपोर्ट कर सकता है। साथ में लोअर क्रूड ऑयल प्राइजेस की वजह से भी बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। यूरोजोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक सेंटीमेंट का डेटा रहता हुआ दिखाई देगा, जो साइडवे टू नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा US से PPI का आंकड़ा जो नॉर्मल है। कोर PPI में हमने ड्रॉप आते हुए देखा है। स्टेट एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अंदर हम थोड़ा जंप देख रहे हैं, और साथ में इंटरेस्ट रेट का सीनेरियो है जो कहीं ना कहीं डॉलर को थोड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। LME पे इस वक्त देखें तो हम कॉपर में 0.5% की तेजी दिख रही है, जिंक में 0.5% की गिरावट है, निकल में मे भी कल से हम ट्रेड होता हुआ चालू होते हुए देखेंगे। वहीं एल्यूमिनियम 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड करा, आगे जाकर भी एल्यूमिनियम पे आप ध्यान रखिए। एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, कॉपर, इन सब में हम लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए देखेंगे। शॉर्ट अवॉइड करके चलना चाहिए बेस मेटल के अंदर। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में कल देखें तो गोल्ड में और चांदी में हमने गिरावट आते हुए देखी। रुपया फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज 76-70 के करीब रुपया ओपन हो रहा है। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि क्रूड सीजन से बढ़ा था, उसका इम्पैक्ट अभी तक हमने रुपये पे आते हुए नहीं देखा। नो डाउट आज की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं रुपये को भी स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई देगा, बट देन ऑल्सो 76.50 से 77 की रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। तो आज M6 पे गोल्ड की अगर बात करें तो 52 से 52,600 के बीच में ट्रेड करेगा। दिन में दबाव रहेगा जो 52,000-52,050 पे लिया जा सकता है। चांदी में भी 68,400 तक का लेवल मिलता है, वहाँ से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। क्रूड में प्रेशर है जो 7600 तक का लेवल दिखा देगा। नेचुरल गैस में प्रेशर है जो 350 से लेकर 345 तक का लेवल दिखा देगा। कॉपर बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। जिंक के अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो थोड़ा फॉलबैक दिखा रहा है, बट ये 305-306 का सपोर्ट लेकर वापस उठता हुआ दिखाई देगा, तो बाय ऑन ड्रॉप की। धनिया में अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा रेक्टेंगल फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी हिट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अराइवल सीजन सामने है, जिसकी वजह से प्राइजेस में पुलबैक मिल सकता है। इंटरनेशनल में वीट का पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो वीट के ऊपर आप ध्यान रखिए, वीट के प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। वहीं रशिया से काफ़ी कमोडिटीज है जो प्लेटिनम, टाइटेनियम और नेचुरल गैस, प्लेटिनम, ऑयल, निकल, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छा खासा जंप 3220 के ऊपर काफ़ी बड़ा जंप देखने मिल सकता है। आज एग्री के अंदर गवार सीड, गवार गम और कैस्टर लेके चलिए, मसालों में वेट कीजिए, कॉटन सीड ऑयल केक में भी लेकर काम कर सकते हैं। ओवरऑल वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी, बट गवार और कैस्टर इनमें अच्छी बाइंग की जा सकती है कॉटन सीड ऑयल केक के साथ। कॉटन में हमने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखा, बट ध्यान 38,000 के ऊपर तेजी का रहेगा। विद दिस वी एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सो मच। कमिंग बैक।